आप दिखा थोड़ा नीचे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सबको पता है कि बड़े दिनों बाद मैं व्लॉगिंग करने निकला हूं, तो मैं घर से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर दूर आया हूं, जहां हम दो चार दिन रहने वाले हैं। सो आज पहला दिन है, आते ही बारिश स्टार्ट होगी जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही। तो फाइनली 3 घंटों वेट करने के बाद बारिश रुक गई है। तो ये मेरे दो दोस्त हैं, इनका भी YouTube चैनल है, हाय, डू फॉलो सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर। तो इनका जो चैनल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो जाइए इनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, पहले मुझे फिर इन दो को सपोर्ट करना। तो चलते हैं आगे, आपको थोड़ा दिखाएंगे कैसा है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, लेकिन अभी हम हंदवाड़ा में, तो चलते हैं आगे। तो चलते हैं अभी, देखते हैं आगे का नज़ारा। अभी तो उम्मीद यही की जाती है कि और बारिश नहीं होगी, तो अभी हम जो आपको पहाड़ दिखे हो, ये जो जगह है ये ऑलमोस्ट मेरे घर से 80 किलोमीटर दूर है। तो आज सुबह मेरा प्लान बना था उठ के कि मैं कहीं जाऊं घूमने, क्योंकि कुछ डील दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन में, तो मैंने फटाफट से जल्दी डिसाइड किया कि कहीं, तो मैं यहाँ आ गया। अभी मैं कुछ दिन तक यहाँ पे रुकूँगा, दो या तीन दिन तक, तो मैं आपको दिखाऊँगा कश्मीर की जो हिडन ब्यूटी है, जो ज़्यादातर लोग नहीं आते देखने, क्योंकि जो फेमस जगह है वहाँ सिर्फ लोग जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ लोग मिस करते हैं जाना, तो वो यही जगह है। मैं आपको दूसरे वीडियो में डिटेल में इन जगह के बारे में बताऊँगा, अभी जो यह है बस थोड़ी बहुत हमने सिनेमेटिक शॉट्स लिए हैं, तो वो आपको दिखाऊँगा। पूरे 30 मिनट हुए हमें चलते हुए, लेकिन अभी तक अभी इनका क्या जगह का नाम है जर्की जॉर्जो पुल नहीं आया, जर्की जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका पहाड़ का जो चढ़ने का रास्ता वो नहीं आया, वो है ना पूरा आगे, तो मैं आपको आगे का भी दिखाता हूँ कहाँ था जाना हमें। सिनेमैटिक शॉट्स दिखाऊंगा, जो असली वीडियो है वो एक दो दिन बाद आएंगे, तो आप इन शॉट्स को एंजॉय करें और चले चलते हैं। खूबसूरती खूबसूरती, जब भी आप ऐसी जगह पर आए ट्रैकिंग के लिए अपनी जो पानी की गर्म पानी की बोतल है वो ज़रूर साथ उठाएं। तो पहले हम पीते हैं पानी, फिर हमें उस पहाड़ पर जाना है, तो फिर हम आगे के लिए चलेंगे। तो भैया हमारे साथ है, ये हमारे लोकल गाइड है जो हमें गाइड करेंगे क्या करना है कहाँ जाना है। तो ये 3 दिन तक हमारे साथ हैं। So, ये जो जगह है बहुत ही खूबसूरत है, लाइफ में एक बार तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जो बाकी जगह है जैसे दिल्ली हो गया, जयपुर, राजस्थान, ये सब तो यहाँ तो सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो जगह है बहुत ही मतलब पोल्यूशन फ्री है। देख सकते हैं यहाँ पे कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो अभी हम ऊपर तक जाने वाले थे, लेकिन क्या टाइम की कमी की वजह से हम ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि रात को जंगली जानवरों का खतरा रहता है। तो अभी हम थोड़ा ऊपर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे ये जगह, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी है जो यहाँ पर हिडन है, तो 2-3 दिन रहेंगे और उन जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं।
करते। तो आगे दो तीन दिन हम बहुत सारे ट्रैवल करने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले दिनों में ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।